सभी का स्वागत है चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। पहला प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक का नाम क्या है? यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है, हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं, होरी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो होरी जो यहाँ पर गोदान जो है प्रेमचंद जी का उपन्यास है उसका एक पात्र है, उसका एक कैरेक्टर है। फिर प्रश्न आता है कि जूता घिसना मुहावरे का क्या अर्थ है? जूते घिसना होता है जब किसी काम के लिए हम बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, तो उस मुहावरे के अर्थ में जूता घिसना शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, जूता किसका प्रतीक है? जूता जो है कम सम्मान वाले व्यक्ति का प्रतीक है, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही जवाब है। फिर प्रश्न आता है कि लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान के पीछे क्या छुपा हुआ अनुभव हुआ था? तो उन्हें समाज में गरीबों की दुख और पीड़ा जो है ना वो छुपी हुई जो है महसूस हुई उन्हें। उसके बाद प्रश्न आता है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे? तो उनकी पत्नी फ़ोटो में उनके साथ थी, तो पत्नी के साथ वह फ़ोटो खिंचवा रहे थे। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही जवाब है, पत्नी के साथ। प्रश्न आता है, प्रेमचंद ने फ़ोटो खिंचवाते समय सिर पर क्या पहना हुआ था? तो उन्होंने टोपी पहनी हुई थी जब वो फ़ोटो खिंचवा रहे थे। प्रश्न आता है, प्रेमचंद का चेहरा भरा भरा किस कारण से लग रहा था? तो उनके जो घनी मूछें थी उसके कारण से उनका चेहरा भरा भरा लग रहा था। लेखक के अनुसार किसका किससे अधिक मूल्य रहा है? तो लेखक के अनुसार जूते का टोपी से अधिक मूल्य रहा है। लेखक के अनुसार टोपी किसका प्रतीक है? टोपी जो है यहाँ पर सम्मानीय व्यक्ति का प्रतीक है और जूता जो है वो अपमान का प्रतीक है। प्रश्न आता है कि लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने फोटो किसके आग्रह पर खिंचवाई होगी? आग्रह किसने किया होगा उन्हें फ़ोटो खींचने के लिए? तो पत्नी ने किया होगा, तभी पत्नी के साथ करवा रहे हैं फ़ोटोशूट। फिर प्रश्न आ जाता है कि लेखक के अनुसार प्रेमचंद के जीवन संबंधी कौन सी ट्रेजडी है? ट्रेजडी क्या है कि उसके पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी जूता नहीं था। प्रश्न आता है कि दर्द के गहरे कुएं के तल में पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कहा होगा? लेखक के इस कथन से प्रेमचंद के जीवन की कौन सी विशेषता को उजागर किया जा सकता है? तो यहाँ पर निराशा जो है उसे उजागर किया जा सकता है। उसके बाद प्रश्न आता है कि लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने फोटो किसके आग्रह पर खिंचवाई होगी? तो फिर पत्नी ने उन्हें यह कहा होगा कि चलो एक फ़ोटो करवाते हैं। फिर प्रश्न आता है कि लेखक की दृष्टि में प्रेमचंद में कौन सा गुण नहीं रहा होगा? तो पोशाक बदलने का गुण उनमें नहीं रहा होगा। उसके बाद लेखक को प्रेमचंद की अधूरी मुस्कान में क्या अनुभव हुआ था? उन्हें व्यंग्य लगा था। आपको पाठ के बारे में पता भी है कि व्यंग्य पर यह पाठ लिखा गया है, प्रेमचंद का फटा जूता जो है फ़ोटो खिंचवाने जब वो जाते हैं तो लेखक ने हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्य के रूप में यह पाठ जो है लिखा है कि किस प्रकार से लेखकों की दशा जो है वह होती है। उसके बाद प्रेमचंद ने चित्र में कैसे जूते पहने हुए थे? तो उन्होंने कैनवास के जूते जो हैं वो पहने हुए थे। प्रेमचंद का फ़ोटो देखकर के लेखक की दृष्टि कहाँ पर अटक गई थी? उनके फटे हुए जूतों पर उनकी दृष्टि अटक गई थी। पन्हैया से क्या तात्पर्य है? पन्हैया जो होती हैं जूतियों को कहा जाता है। प्रश्न आता है, जंजीर का क्या तात्पर्य है? तो जंजीर यहाँ पर बंधन से जो है उससे तात्पर्य है। और प्रश्न आता है कि प्रेमचंद के जूते फटने का कौन सा सांकेतिक कारण बताया है? समाज की बुराइयों को ठोकर मारना सांकेतिक कारण क्या है? यहाँ पर समाज में जो बुराइयाँ व्याप्त हैं और दिखावे की प्रवृत्ति की ओर भी लेखक यहाँ पर संकेत करता है। तो यहाँ पर उत्तर जो है ऑप्शन ए जो है सही है। आज के प्रश्न जो हैं प्रेमचंद के जूते, ये आपको मैंने बताए। एक इसमें प्रश्न आ रहा है कि इस कहानी में नील गाय हल्कू किसन का खेत चर गई थी, तो एक कहानी है पूस की रात, उसमें
ये घटना घटित हुई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।